सो व्हाट्सअप गाइस, बीस फ्रॉस्ट और आज हम वापस आ चुके हैं पबजी मोबाइल में। एज यूजुअल हम फिर से जॉर्जो उतर रहे हैं, जॉर्जो फिक्स है हम लोग को जॉर्जो ही पसंद है। सो इस टाइम हम लोग फिर से जॉर्जो जाते हैं और जॉर्जो सिटी लूटते हैं। और एज यूजुअल जॉर्जो में कोई स्क्वाड नहीं आई होती अभी तो, और कुछ नहीं, फिर आपको लूटने के बाद दिखाता हूँ। तो हम लोग जॉर्जो सिटी लूट के निकले और हम ड्रॉप पे आए थे, और पता नहीं ये पबजी मोबाइल का क्या ग्लिच था, ये ड्रॉप दिखता नहीं है, जब उसकी क्लोज आते तब दिखता है। देखो अभी दिख नहीं रहा, जैसे अभी हम लोग रिवर्स ले रहे, देखो अचानक से ड्रॉप आ जाता है। और हमने पूरा लूट लिया, इस ड्रॉप में भी हमको M249 मिला, और इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब M249 तो एक ने उठा लिया शायद, M2 था शायद, तो अभी मेरे को याद नहीं। सो अभी हम लोग, मेरे को भी DP मिल चुका था और M4 मिल चुका था, वर्ल्ड बेस्ट कॉम्बो एवर, DP और M4, और क्या चाहिए भाई, जिसके बाद DP और M4 चाहिए वो ड्रॉप गन भी नहीं उठाएगा। ओके, और फिर अभी हम लोग यहाँ से निकलते पोचिंगी की तरफ, तो देखते हैं कि पोचिंगी में कोई है कि नहीं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। तो अब हम जॉर्जो तो हो गया, अभी हम पोचिंगी में ये स्क्वाड हाउस पे बैठे थे, देख रहे थे उतने में ये हम एक बंदा, ये थर्ड नंबर, ये मॉली करता है खुद पे, और साथ में वो वन नंबर वाले को भी ले लेता है। और बीच में हम लोग के इधर एक बॉट आया था, तो उसको भी हम लोगों ने मार दिया, हम लोग को लगा बंदे आ गए। हम लोग इधर बहुत देर वेट करते कि कोई आए आए आए, ये स्क्वाड हाउस पे हम लोग बॉट फायर भी करते, स्कैम करते, मतलब और टैप 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 मारते हम लोग DP और M4 दोनों, तो कोई आया नहीं उतने में। तो फिर अभी कोई आता नहीं तो हम लोग निकलने की सोचते, फिर हमें एक प्लेन दिखता है, तो मैं बोला रुको अभी मत निकलो, थोड़ी देर में निकलते। और उतने में मेरे टीममेट को पीछे गाड़ी दिखती है, तो हम लोग बोले ठीक है गाड़ी आ रही तो रुक, प्लेन भी आ रहा है, देखते पहले ड्रॉप कहाँ हो रहा है फिर निकलते। बहुत देर वेट करने के बाद हम लोग ने बोला ठीक है अभी ड्रॉप गिर चुका है तो जाते हैं हम लोग। तो ये जो मेरा टीममेट है वो एड़ा है, वो गाड़ी ठीक से चलाता नहीं, तो उतने में हम लोग के इधर बंदे आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, तो मैं और ये बच गए थे एक। तो मैं इसको बोला फटफट ये घर में घुस जाओ, ऊपर बात का देखते हैं, और ऊपर से हमारे घर के ऊपर स्मोक हुआ रहता है। सो अब हम लोग थे यहाँ दो और वहाँ थे दो। अब ये जो मेरे साथ था, मेरे को उसका टेंशन था, वो जल्दी किसी को मारता नहीं, जब भी कोई बंदा रहता ना तो खाली इतना बोलता, ओ भाई 1 HP छोड़ दिया मैंने, 1 HP छोड़ दिया। मैंने बोला अरे कहाँ यार, तो उतने में मेरे टीममेट दूसरी गाड़ी लेकर आते फटफट, हम लोग फटफट बैठते इसमें, और देखो हम लोग पढ़ने लग जाते हैं, और मैं नॉक एज सिंपल, और मेरे साथ मेरे जो हम लोग चढ़े थे वो हम दो ही नॉक होते, क्योंकि हम दो पीछे बैठे थे ना। तो मैंने मेरे टीममेट को बोला मैं ये घर में घुस रहा हूँ, काम करे घर का फटफट दरवाज़ा खोल, तो देखो देखो कहाँ जा रहा है, उसको बोला दरवाज़ा खोल तो खोला ही नहीं। फिर एक मैं सोल करके वो टीममेट है उसको मैंने बोला कि भाई दरवाज़ा खोल, हम लोग को अंदर आंधे बने लोग हम लोग को फिनिश कर देंगे। तो ये देखो अभी आया फटफट आया, तो अभी आएगा ये, और ये दरवाज़ा खोला मैंने, बोला रुक मेरे को पहले रेप दे दे, तो अभी ये रेप दे रहा है मेरे को। और देखो हम लोग पे नेडिंग हो ही रही थी, अगर हम लोग वहाँ रहते तो पक्का हम लोग मरते थे अभी। सो अभी हम लोग बोले कि ये लोग को अभी खाना है, पर कहाँ से मारे लोग को अभी, मतलब वो लोग ने तो बस स्क्वाड हाउस और वो दोनों वेयर हाउस दोनों पकड़ के रखा था। मेरा एक टीममेट नीचे था, वो बोला कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तुम लोग देखो ऊपर कहीं दिख रहेगा तुम लोग को, मतलब मैं बोला कि मेरे को नहीं दिख रहा है तेरे को दिख रहेगा, तो उसने बोला हाँ मेरे को वेयर हाउस के पीछे दो बंदे हैं। बोला ठीक है तो पुश मारते हैं थोड़ी देर में, तो उतने में ये देखो सप्रेसर चला रहा था वो SKS ऐसा कुछ, तो अभी हम लोग को मारते हैं। बहुत देर वेट करने पर मैं नीचे उतरा, और मेरे टीममेट ने, मतलब टीममेट ने नहीं, कोई पीछे से वो लोग को फायर किया, तो मैंने उसका किल चुरा लिया, वो नॉक था, तो मैंने फट से मैं उतरा और मार दिया। तो मैं बोला स्क्वाड हाउस में तो कोई नहीं है ना, तो मेरा टीममेट बोला नहीं अब तक तो कोई था नहीं उधर, अब आया होगा तो पता नहीं। मैं बोला अबे कंफर्म बोल ऐसे मत बोला कर। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके रहते ढूंढते ये लोग को कि ये एक तो मर गया, अब थे ये लोग दो, तो अभी दोनों इधर ही थे, और हमें भी जोन में जाना था और उनको भी जोन में जाना था। तो उतने में स्क्वाड हाउस के पीछे से फायर होता है हम लोग को, तो अभी हम लोग ये K9 वाला देखता रहता है, तो उसको वो पत्थर के इधर दिखता है, तो मैं बोला ठीक है रुक मैं ना बस के इधर जाने की ट्राई करता हूँ। तो फिर बहुत देर हम लोग यहीं थे, उसके बाद मैं सोचा कि रश करते, तो मैं रश कर रहा था, तो मेरे टीममेट्स बोले ठीक है, तो बोलो देखो अभी तक आए नहीं, सब इधर ही बैठे, रश कराया ही नहीं मेरे साथ। मैं बोला मैं निकलता तुम लोग आना पीछे पीछे, तो आए नहीं। फिर उसके बाद बहुत देर हम लोग यहीं थे, फिर आगे का देखो क्या होता है। बहुत देर हम रुके थे, वो रश नहीं कर रहा था, तो मैंने बोला कि हम मैं रश कर रहा हूँ, मेरे साथ जिसको आना आओ। तो उसने मेरी गाड़ी लेके निकलता है, तो मैं इसको देने लगता हूँ,
ये देखो ये भरपूर डैमेज हुआ है। मैं बोला रुक अब तो इसको खाएंगे, तो ये यहीं रुक जाता है ये पत्थर पे। तो मैंने मार्क किया मेरे टीममेट को, बोला इधर ही है संभाल के। तो मैं एक मॉली फेंकता हूँ, मतलब उसको कहीं अगर पी ले रहा होगा तो अभी उतने में मैं उसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया। बोला ठीक है रुक पहले इसको मारता हूँ फिर तेरे पे आता हूँ। ये देखो तो क्या ही मतलब मारा मैंने पीक ले कैसे बोलता है ना मस्त वाला। तो इस पर मेरे को मेरा कैंडिड मिल चुका था, मतलब मैं कैंडिड ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग को जाना था जोन में, हम लोग पे गाड़ी थी नहीं, हम लोग की गाड़ी पीछे थी, ये एक ही गाड़ी थी हम लोग पे जो टूटी फूटी थी। तो हम लोग ने इसको लूटपाट किया और ये कुछ फिफ्थ नहीं फोर्थ या तो फिफ्थ जोन था। हाँ तो हम लोग अभी यहाँ पर लूटते हैं। और देखो वापस मेरा टीममेट नॉक हो गया, फिर मतलब एक्चुअली वो लो ही था, उसको हेल्थ मारने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने मेरे टीममेट को बोला तुम लोग को आना है तो जल्दी आओ, तो फिर वो लोग भी रुके ही थे, मतलब लूटने पे गाइक मेरे टीममेट बहुत अलग है, लूटते रहते। वो एक रेप देने गया सोल तो रॉ फ्लेमिंगो को। तो अभी ये एक बंदा आता है हम लोग का बैठता है, ये दूसरों को भी हम लोग को लेना रहता है ना, तो मैं गैटिंग कर देता हूँ। तो मेरे को क्या पता था और गाड़ी अटक चुकी थी एक्चुअली, मेरे को पता नहीं थी। तो मैं बोला अभी रहने दे गाड़ी, आगे एक डाचा थी ना हम लोग ने जो एक्सचेंज की थी वो पड़ी रहेगी तो वो यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम लोग सब हील मार मार के चलते हैं और फिर सीधा जोन में मिलते हैं। सो हम लोग अभी गाड़ी लेके आ चुके थे जोन में और हम लोग ने वापस हमारा टीममेट गवा दिया और यहाँ पे हम लोग को बंदे दिखते। तो अभी देखो कैंडिडेट का जलवा, मतलब क्या ही उसको मारा है M4। मेरे को कैंडिडेट एकदम स्मूथ लगता है रेड डॉट से ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और मतलब वो जो मेरा टीममेट था वो तो मर गया था क्योंकि वो जोन से ही डैमेज था और प्लस वो जोन के बाहर ही मरा है। तो अभी बचे थे 5 बंदे और हम 3 थे, मतलब 2 बचे थे और ये दोनों भी मतलब टीममेट्स नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। तो मैंने बोला इधर ही होल्ड मारते, ये एक ही कंपाउंड है तो इधर आएंगे। तो अभी मैं इधर देखता हूँ, एक्चुअली कोई दिखता नहीं क्योंकि बहुत घास है इधर। मैं बोला इधर आगे मत रहो क्योंकि आगे रहोगे तो मतलब पड़ेगी ना। तो अभी हम लोग पीछे जाते हैं। हम लोग बहुत देर इस वाले घर में रुके थे और मेरे को आगे से एक नेड़ खींचने का पिन का आवाज़ आया, तो मैं बोला आगे ही बंदा है। सो अभी ये बंदा देखना, देखो क्या ही मतलब सांप था, मतलब उसको तो क्या दिया। और उसने जो नेड़ फेंका था ना, वो जिस पे उसने फेंका वो लास्ट बंदा था और उसने उसको ही मार दिया। पता नहीं उसको किल मिला होगा कि नहीं, कमेंट में बताना कि उसको किल मिला कि नहीं। और एक इसी के साथ विनर चिकन डिनर मिल चुका है। सो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, चैनल को लाइक नहीं वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।